When Parthiv Gogoi picks up the ball at the edge of the box, we mostly know what happens next. Confident but collected, the naughty striker is getting people off their seats in stadiums and living rooms across the country with his magic. In this episode of In the Stands, find out more about this young footballing sensation who's taken the ISL by storm this season. भाई देखो पार्थिव, बात ये है दैट वी आर ऑन द पिच राइट नाउ वेयर यू हैव क्रिएटेड मैजिक दिस सीजन प्रैक्टिकली. आई थिंक गोल पोस्ट वो वाला है जिसमें आपने सबसे ज्यादा गोल मारे है, वो वाला है. फिर इधर हैट्रिक वाला है, हाँ, और चेन्नई वाला, मुंबई दो, हाँ, वो भी उधर ही हुआ था. करेक्ट करेक्ट, हाँ. फिर इधर लाजवांग के साथ हैट्रिक, करियर का फर्स्ट हैट्रिक. करेक्ट करेक्ट. गोल याद रखते हो, हर गोल जो मारते हो? बिल्कुल. हाँ, लेट्स वॉक अ लिटिल बिट टुवर्ड्स दैट स्पॉट आल्सो, जहाँ से आपने वो गोल्स मारे हैं पहले. दिखाता हूँ डेब्यू गोल कहाँ से लिया. हाँ, मेरे को एग्जैक्ट स्पॉट दिखाओ, आपने कहाँ से मारा था वो गोल. सो व्हाट्स गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम कि आप आ रहे हो एंड इट्स लाइक यू नो डज इंस्टिंक्ट टेक ओवर. पूरा पूरा याद है मेरे को. चलो बता दो मेरे को. आई गेस मेहताब भाई ने इधर से एक पास मिस किया था रोमेन के पैर पे. रोमेन ने मेरे को सीधा एक थ्रो बॉल दिया और उनका एक सेंटर बैक है ना रोस्टिंग ग्रिफिन, उनको मैंने लिया है दो बार ऐसे. एक बार ऐसे कटिंग किया, फिर उसके बाद इधर कटिंग किया, फिर उसके बाद फुरबा भाई था तो थोड़ा स्पेस था इधर, तो उधर स्मैश्ड इट. हां, आई वाज प्रेजेंट. या, ओह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टिडबिट. Wow, you've marked it out, huh? From here, almost. बीच से? Yes. बीच से उधर. पता है यहाँ पे खड़े हुए हो ना अभी, तो टीवी पे लगता नहीं है कि बहुत डिस्टेंस है, बट यहाँ पे जब खड़े होके when you are actually there, you realize कि बस the penalty spot is not close to the it depends on how you see it. टीवी पे लगता है कि यार बहुत close distance है, but I missed one. How did you recover from that then? Everyone supported me so well. Yeah. The fans, the coaches. Yeah. The coaches said, "This thing will make you big." Yeah. So I kept that in mind. Right. Keep working. That's it. But sometimes, whenever I still go to training, I take few penalties. Yeah. I get scared now, but it's okay. It will go. It's about mentally being strong. It will go. Next time, if I take penalty, for sure goal. Yeah? For sure. Lovely. अगर डाउन हो जाऊंगा तो फिर गोल नहीं मार पाऊंगा. तो वापस मतलब ठीक है, एक चांस मिस हो गया, अभी दूसरा चांस आया तो मिस नहीं करना है. अपने आप को काम रखना है, उसके बाद फिनिश करना है मेरे को. Right. मेरे पास एक निकनेम है आपके लिए. मैं आपको बुलाऊंगा पार्थिव बैंगर्स ओनली गोगोई. ये बैंगर्स ओनली जो फ्रेज है काफी फेमस हो गया है बिकॉज यू ओनली बीन स्कोरिंग बैंगर्स. पार्थिव, जो चेन्नई वाला गोल था, इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ सर्टेन प्लेयर. लोग आपको बोल रहे हैं किस प्लेयर की याद दिलाई उन्होंने? अभी आपने बोला था, बता दो मैंने क्या बोला था. कुटिनो. डू यू अग्री विद मी? या, अ लिटिल बिट. यस, अ लिटिल बिट. ओके, बट नाउ पार्थिव, द थिंग इज दैट यू हैव बीन डूइंग सो वेल टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ लास्ट सीजन, एंड इस सीजन आपने जो शुरुआत की है, एवरीवन सैट अप एंड टेकन नोटिस ऑफ यू. कोई इंडियन फुटबॉल देखना शुरू कर रहा है अभी और उन्होंने आपके गोल्स देखे हैं और उनको लग रहा है यार पार्थिव गोगोई कौन है, सो इफ आई वॉज टू आस्क यू, कौन है पार्थिव गोगोई, हु इज दिस गाय हु पीपल आर नाउ सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस ऑफ, इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू समवन हु जस्ट स्टार्टेड वाचिंग इंडियन फुटबॉल? जस्ट अ किड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. या, आई मीन दैट्स सिंपल इनफ, व्हिच इज ट्रू. नॉर्थ ईस्ट इज इन योर ब्लड एंड दिस क्लब इज ऑल्सो स्पेशल टू यू, बट टेल मी अ बिट मोर अबाउट योर ओरिजिन्स पार्थिव. यू स्टार्टेड ऑफ कोर्स इन शिवसागर, देयर वाज एन एकेडमी दैट वाज रन बाय योर फादर आई बिलीव. तो बचपन कैसा था? बचपन बढ़िया था, बस बहुत शरारत था मैं. हाँ, और बहुत शरारत की है भाई के साथ भी, और मेरे कजिन ब्रदर है उसके साथ भी बहुत शरारत किया मैंने. हाँ, जैसे घर में बहुत फुटबॉल खेलता था, घर के अंदर ही. हाँ, काफी सामान तोड़े, मार भी खाया बहुत. बाप रे बाप. तो टिपिकल जो अपब्रिंगिंग होती है. हाँ, बट फुटबॉल वाज एवर प्रेजेंट इन योर लाइफ इन दैट सेंस? तभी वो स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो मेरे पापा क्लिप्स लाते थे. पापा के पास था नहीं स्मार्टफोन वगैरह, मेरे को पता भी नहीं अगर होता था तो पापा लाता था अपने एक नोकिया का फोन थे पापा के पास. हाँ, तो वीडियो दिखाने के लिए लेके आता था. हाँ, तो रोनाल्डो और मेसी के वीडियो डालते थे. बाप रे बाप. तभी से और पापा को भी पसंद था फुटबॉल खेलने. हाँ, के लिए. हाँ, तो पापा मेरे को दिखाना चाहता था कि ऐसे ऐसे होते हैं प्लेयर्स भी. हाँ, क्योंकि बहुत छोटा था मैं. हाँ, तभी से मेरे को दिखाना चालू कर दिया. हाँ, हाँ, वीडियोज वगैरह. और प्रज्ञान को देख के आप इंस्पायर होते थे कि यार मेरा बड़ा भाई है? लड़ाई भी होती थी?
लड़ाई तो होते रहते थे, अभी भी होता है थोड़ा बहुत. लास्ट लड़ाई किस बात में हुई थी आपके बारे में? लास्ट लड़ाई क्या होता शायद, हाँ लास्ट लड़ाई मेरा हुआ था लास्ट ईयर. एक लड़ाई मतलब ऐसे नहीं, आर्ग्यूमेंट हुआ था ईस्ट बंगाल के साथ मैच था अवे. फिर मतलब वो लेफ्टी है तो मैं राइट में खेल रहा था तभी. फिर मेरे को बॉल मिला था वो बहुत फ्री था, मैंने उसका आवाज़ नहीं सुना क्योंकि पब्लिक बहुत था. ओ ये एक्सक्यूज तो नहीं बना रहे? नहीं 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 नहीं, आवाज़ नहीं सुना सच्ची में. फिर मैं शूट मार दिया, फिर देखा मैंने उसको, गुस्से में था वो. मेरे को पता चल गया आज ये रूम में जाकर मेरे को सुनना है. फिर सुनना पड़ा आपको. और चलो ठीक, मानता हूँ मेरा ही गलती था वो. और आजकल कोच साहब भी आपके थोड़े स्ट्रिक्ट हैं बहुत. Parthiv is a young boy. He's building himself. He needs to find himself. I think the most important for him is to keep himself away from all the show. But it's a good thing, right? Yeah. What are the changes that he's brought about in the team? Northeast mein aap pichle saal bhi the. You scored a few goals towards the back end of last season. But this season hum ek puri different team dekh rahe hain. Pehli baat aaya ki wo ek pura complete team banaya ho unhone. Ki ek unity kaisa hona chahiye, kaise rehna chahiye, kaise khana chahiye. Matlab discipline laya ho players ke upar, on and off the pitch kaise rehna hai, sab saath mein raho, acche se baat baat karo sabke saath. Matlab it's more like a team now. Right. And it feels more like a family. I think when that happens, you also tend to perform better on the pitch, because you fight for each other, you've got each other's back. You signing that contract extension with Northeast United, right? I'm sure a lot of people are in your ear giving you advice on what to do, what not to do. Aapki kya motivation thi behind signing this contract extension with Northeast United? Because it's a club that's also close to your heart, I believe. Yeah. पहले साल में जब मैं साइन किया था, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इधर ही आना है मेरे को. और आया मैं इधर. फिर उसके बाद अभी काफ़ी अच्छा जा रहा है और ये क्लब ने मेरे को अभी भी बहुत कुछ दे रहा है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. और इन रिटर्न मैं भी कुछ देना चाहता हूँ क्लब को. ऑल थैंक्स टू मंदार सर, जॉन सर, और उसके बाद कोचेस भी है मेरे जो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं. और आई एम श्योर दैट वी विल डू मच बेटर दिस सीजन एंड अपकमिंग ईयर्स. राइट. चलो ठीक है. तो आपने अपने फादर की एकेडमी से स्टार्ट किया, फिर आपकी जर्नी आपको ले गई ओजोन एफसी की तरफ, क्योंकि आपने अंडर 16 बीसी रॉय ट्रॉफी खेली थी फॉर असम इन दिल्ली. जो बात यह है कि आप पहले बड़ा घर पे फ़ोन करते थे जब आप ओजोन में गए थे एकेडमी में, और आपको बड़ी याद आती थी घर के बारे में. ये बात कहाँ से पता चली है? मतलब यही तो मेरा काम है यार, अब ये नहीं पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा फिर. तभी हॉस्टल पे थे ना, तो मैं काफ़ी कभी भी कपड़ा नहीं धोया था खुद. अरे बाप रे. तो कपड़ा वपड़ा धोना होता था. तो वही बात है, तो मेरे को पसंद नहीं आया था. तो फिर सीधा गया फोन मम्मी को. मम्मी को गया और क्या बोला? मेरे को वापस आना है. वापस आना है? अरे बाप रे. आई एम ग्लैड यू डिडंट कम बैक, क्योंकि अगर वापस आ जाते तो फिर पता नहीं पार्थिव गोगोई के साथ. उसके बाद मैंने खुद एडजस्ट किया. फिर मम्मी ने बोला, यार अभी तो गए हो, थोड़ा दिन रह जा, कुछ सीख जाएगा टाइम में. कभी धोया नहीं था तो उसके बाद एडजस्ट करने को दिक्कत हो रहा था. डिफेंडर्स को बहुत धोया था आपने पिच के ऊपर, तो दैट इज फाइन. उतना तो उसके बाद सीख लिया. अभी तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ठीक है ना, अभी भी बोलोगे तो धो देंगे. लवली. और अपने यार लास्टली, आई एम वेरी फैसिनेटेड विद दिस एटीट्यूड दैट यू सीम टू हैव, विच इज आपसे मैंने आई थिंक जब पंजाब के अगेंस्ट मैच हुआ था आपका दिल्ली में, मैंने आपसे पूछा था बिफोर यू केम आउट ऑफ द टीम, बताया था पार्थिव हाउ मेनी टुडे, एंड यू सेड आज मैं सुप करके मारूंगा. एंड यू डिड एग्जैक्टली द सेम. आई थिंक यू रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आई टोल्ड यू दैट कि आज मैं ऐसे क्या बोला था एग्जैक्टली? देखोगे आप. हाँ देखो. और एंड वी ऑल सॉ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. तो ये कॉन्फिडेंस, आप खुद पे कभी प्रेशर नहीं डालते हो? पहली बात मैं ज़्यादा सोचता नहीं बिल्कुल. जाके खेलना है मैच. जो बात आप पसंद करते हो खेल के वो आप कर रहे हो, तो और ड्रीम है ना, क्योंकि ISL में खेलना बचपन से देख के आ रहे हैं. इसमें खेलना वो मेरा ड्रीम था एक. तो जिधर खेलने को मिल रहा है वो मज़ा आता है मेरे को खेल के, तो काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को. A lot of people are suddenly saying that Parthiv Gogoi deserves to be called to the Indian national team. Or I'm sure you've heard about this chatter from the outside. Pehli baar aapne kab socha ki mere ko India ke liye khelna hai? Has this dream always been there? Bahut chote se tha. Mere bhai ko bhi bolta tha main ek na ek din to India ke liye khelenge.
अभी मैंने वो सर्टेन एजेस के लिए खेले, अंडर 16, अंडर 17, 20, 23 तक खेले. अभी एक ही एम है मेरा फिलहाल, तो दो एम पकड़ लो. अभी प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई करना है, दूसरा है जितना जल्दी हो सके सीनियर टीम में आना. कभी आपकी बात हुई है इगोर स्टीमैच के साथ? अभी तक तो नहीं, तो लगता है अभी बहुत जल्दी होने वाला है. आई होप यू होप सो. ओके नो, आई मीन वी ऑल होप ऑफ कोर्स. इसमें एक चीज़ है, स्टीमैच ने भी अभी हाल ही में बोला था कि द डोर्स टू द नेशनल टीम एज ऑफ नाउ आर क्लोज्ड. सो व्हाट ही हैड बेसिकली सेड वाज दैट वी हैव अ ग्रुप ऑफ 30-35 प्लेयर्स जो कि हमारे साथ बहुत समय से हैं, एंड नाउ वी वांट टू सॉर्ट ऑफ कीप दैट सेम कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एंड टेक देम टू द एशियन कप. नॉट सेइंग दैट newcomers are not welcome, does that give you added motivation ki aur hard work karna hai taki I can make it to the national team one day? बिल्कुल, how do you बिल्कुल. process that information? bilkul abhi kyunki aur main unke sath bhi agree karta hu kyunki wo team bahut time se ek hi sath mein hai aur kafi changes nahi kar sakte aap, matlab abhi main kyunki bahut young hu, upar se wo team abhi kafi time se ek hi sath mein khel rahe hai aur unka ek combination hota hai ek जैसे कि आपने देखा एक मलेशिया के साथ अभी रिसेंटली जो गोल हुआ था वो काफ़ी अच्छा गोल हुआ था. हाँ, एक लॉन्ग बॉल गया, फिर आकाश भाई ने फ्लिक किया महेश के लिए, फिर ऊपर से महेश ने अच्छा क्रॉस डाला आगे से, फिर उसके बाद चांगते भाई ने छेत्री भाई के लिए दिया, छेत्री भाई ने फिनिश किया, वो तो काफ़ी अच्छा गोल है. और आप मतलब कोच के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप कभी भी. ऑफकोर्स तो वही है बात. ऑफकोर्स ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे एज ग्रुप टीम के लिए तो आप खेले हो जी, मगर नेशनल टीम सीनियर लेवल इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, राइट? मतलब आपने क्या सुना है नेशनल टीम के बारे में, क्योंकि आप प्लेयर्स को तो जानते हो पर्सनली एज वेल, अ लॉट ऑफ देम वुड हैव टोल्ड यू अबाउट द एटमॉस्फेयर इन द कैंप. व्हाट आर द थिंग्स यू हर्ड अबाउट द नेशनल टीम? आपको एक बात बता दो, सीक्रेट बताओ यार. आपको नहीं पता होगा ये महेश भी मेरे पापा के एकेडमी से निकला हुआ है. क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? ओ वाओ, तो मतलब देयर इज समथिंग अबाउट दैट एकेडमी व्हिच प्रोड्यूसेस गुड प्लेयर्स. हम लोग के एकेडमी में पापा ने एक कोच लाए थे उत्तम सर बोल के, वो मणिपुर से थे, तो उन्होंने ही वो महेश को भी साथ में ले आया था. अच्छा, फिर उसके बाद वो शायद रॉयल वाइंग दो गया था, राइट? मेरे भाई का बैच का ही है वो. तो अच्छे, तो आपके ऑलरेडी जान पहचान के लोग हैं नेशनल टीम के अंदर, सो इफ दैट एवर हैपेंस और इफ दैट कॉल अप एवर हैपेंस यू वोंट टेक मच टाइम टू गेट एडजस्टेड. सिंपल बात है, एक बार तो छेत्री भाई के साथ खेला. That is a lifelong dream. आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था उनके साथ, आप कब मिले पहली बार? मैं अभी तक मिला नहीं हूँ अच्छे से, लेकिन मैं अगेंस्ट में ही खेला हूँ, दो बार खेला हूँ. एक शायद मैंने अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था आई लीग स्टार्स वर्सेस नेशनल टीम के साथ, वो मैचेस खेला था उनके अगेंस्ट. उसके बाद इधर ही मैच खेला था BFC के अगेंस्ट मैच खेला था, मतलब अगेंस्ट ही खेला हूँ, मिला नहीं कभी अच्छे से. अच्छा, क्या कहोगे जब मिलोगे पहली बार? तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि तू कीप गोइंग, राइट? कभी भी डाउनफॉल हुआ तो एक मोटिवेशन रहता है, शी इज स्टिल प्लेइंग एंड वी हैव टू टू बी देयर. यू नो आई जस्ट रियलाइज्ड देयर इज अ 19 ईयर गैप between you and Sunil Chhetri, matlab that is a whole maybe a couple of generations. Yes. Right? But that's so fascinating, because imagine him being up top and you kind of helping him out from the left wing or the right wing. But Parthiv, one important thing to kind of notice over here is that there's a lot of attention on you now, everyone is sort of coming, we are here taking an interview with you, right? Especially all the way, because All the way from Delhi, right? How are you going to deal with all of this attention, and how are you dealing with it? मतलब at a human level, have you been able to process it? कभी-कभी लगता है कि यार इतना क्यों हो रहा है? मतलब अभी इतना सोचता नहीं मैं ज़्यादा. अच्छी बात है. जब भी अच्छा जाता है, कभी-कभी मैं Instagram भी delete कर देता हूँ थोड़ा बहुत social media से हट जाता हूँ. कभी-कभी मैं delete कर देता हूँ, और मेरे agent जो है उनको दे देता हूँ account, आप चला लो कभी-कभी. तो उसके बाद मतलब वो काफ़ी अच्छा भी होता है, फिर कभी मतलब काफ़ी बुरा भी होता है. तो वो अपने ऊपर है कैसे लेते हो आप. मेरे जो आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं. हाँ, तो वही कोचेस अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जस्ट स्टार्ट, यू हैव लॉन्ग वे टू गो, राइट? और वही तो है, अभी हर्डल्स स्टेप बाय स्टेप ऊपर करना है. करेक्ट. हाँ, क्योंकि अभी तो आपकी करियर की शुरुआत जी, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट दैट्स गोइंग टू बी कमिंग योर वे.
And we hope that the fans and your well-wishers are there in support with you at every step of the way. And keep going the way you are, Parthiv, and keep celebrating the goals in front of the Highlander Brigade like you do. Yeah. On that note, Parthiv, thank you so much for talking to me on In The Stands. It's been great. Thank you so much. I've been enjoying watching your goals. Hopefully, we get a better angle of those goals from behind the goalpost each time you score them. Yeah? And make sure you celebrate in front of our camera next time. Yes, for sure. Lovely. Thank you, Parthiv. Thank you. Thank you. Let's go. If you like such content, if you like such content, if you like such content, subscribe to the अगर आप लोगों को content अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को ये content अच्छा लगा है, ISL के YouTube channel पे subscribe करें. कहाँ करें? Subscribe ISL के page पे. Let's go. Okay. Thank you. चलो 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 चलो.